ऑल राइट गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं विंग्स के लेटेस्ट फैंटम गेमिंग ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 2499 रुपीज़ में आप इसे परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक अवेलेबल है। तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ जानी चाहिए थी, बट इसकी शिपमेंट यहाँ पर लेट हो चुकी थी जिसकी वजह से इसकी डिलीवरी काफ़ी लेट हुई, बट फाइनली आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसका साउंड टेस्ट करेंगे, साथ ही इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले इसकी बॉक्स पैकेजिंग हम देख लेते हैं। तो बॉक्स के टॉप में विंग्स फैंटम की ब्रांडिंग है। बॉक्स के लेफ्ट पार्ट में से कुछ की स्पेसिफिकेशन मेंशन है, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। एंड बॉक्स के पीछे के पार्ट में इसकी प्राइसिंग 4999 मेंशन है, बट इसकी एक्चुअल प्राइसिंग मैं आपको बता चुका हूँ। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो सबसे टॉप में है इसका चार्जिंग केस, दोनों ईयरबड, एंड यहाँ पे दी गई है एक टाइप सी केबल चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए, एंड कुछ एक्स्ट्रा ईयर कैप्स यहाँ पे दी गई है, अपने साइज के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। एक वारंटी कार्ड, एंड ये रही इसकी यूजर मैनुअल। तो ये रहा इसका मेन चार्जिंग केस, इसके ऊपर विंग्स की ब्रांडिंग दी गई है। इसके पीछे के पार्ट में टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए, एंड इसके फ्रंट पे तो ह्यूज यहाँ पे एलईडी दी गई है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये दोनों ऑन हो जाती हैं। तो इसका चार्जिंग केस यहाँ पे टोटली गेमिंग लवर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो आपने गेमिंग लैपटॉप देखे होंगे, गेमिंग कंसोल आपने देखे होंगे, उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है ये उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। एंड आप इस चार्जिंग केस को एज अ मोबाइल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये रहे इसके दोनों ईयरबड्स, एंड इन दोनों ईयरबड्स में 12 mm के ड्राइवर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं जो काफ़ी ह्यूज हैं। तो माइक दोनों में एक एक यूज़ किया गया है, बट यहाँ पे होल्स 3 दिए गए हैं ताकि साउंड को अच्छे से कैप्चर कर पाए। एंड दोनों के पीछे की तरफ एक नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है, एंड दोनों में यहाँ पे टच कंट्रोल का सपोर्ट हमें दिया गया है। एंड इन दोनों की फंक्शनैलिटी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये दोनों ईयरबड्स यहाँ पे 50-50 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आप इसको 6 आवर तक प्ले कर सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे, बट अगर आप यहाँ पे साउंड को 50-60% पे रखते हैं तो नॉर्मल आपको यहाँ पे 4 घंटे का प्ले टाइम काफी आराम से मिल जाता है। एंड ये चार्जिंग केस 400 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है, एंड इस चार्जिंग केस से आप इन ईयरबड्स को लगभग 2-3 बार और चार्ज कर सकते हैं। तो अब इसको अपने फोन से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे विंग्स फैंटम लिखा हुआ आ चुका है। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं, साथ ही आप अपने ईयरफोन्स की बैटरी परसेंटेज भी अपने फ़ोन पे चेक कर सकते हैं। तो अभी इन ईयरबड्स की टच फंक्शनैलिटी हम देख लेते हैं। तो प्ले एंड पॉज करने के लिए आप किसी भी ईयरफोन में डबल टैप कर सकते हैं, एंड अगर आपको अगला सॉन्ग यहाँ पे प्ले करना है तो आपको राइट ईयरफोन में ट्रिपल क्लिक करना होगा, एंड प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड में ट्रिपल क्लिक करना होगा। एंड आपको गेम मोड अगर ऑन करना है तो आपको उसको राइट ईयरबड में 2 सेकंड तक होल्ड करना होगा, एंड अगर आपको गूगल असिस्टेंट या सीरी को एक्टिवेट करना है तो आपको उसको लेफ्ट ईयरबड में 2 सेकंड तक होल्ड करना होगा। तो फटाफट से इनका साउंड टेस्ट मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हेडफोन्स का यहाँ पे यूज़ करें। अब बहुत से बंदे हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आप इनका साउंड टेस्ट क्यों कर रहे हैं, ईयरफोन्स का साउंड टेस्ट कौन करता है यार, बट हम यहाँ पे करते हैं।
तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी इनके साउंड आउटपुट की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इनके बेस की। तो बेस इनका मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, बहुत ज़्यादा बूमी बेस या एक्स्ट्रा बेस तो आपको उसमें नहीं मिलता है, बट इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनका बेस आउटपुट काफ़ी बेहतर है। एंड बेस को तो आप अपने म्यूज़िक ऐप के जरिए भी इन्हेंस कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे इसके ट्रिबल्स की बात की जाए तो ट्रिबल्स के मामले पे इसका साउंड आउटपुट मुझे उतना बेहतर नहीं लगा। तो अगर आप EDM म्यूज़िक या इलेक्ट्रो म्यूज़िक या आपको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनना ज़्यादा पसंद है तो ये ईयरफोन्स आपके लिए नहीं है। साथ ही अगर यहाँ पे वोकल्स की बात की जाए तो वोकल्स क्लैरिटी इसकी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, मीडियम आप इसे बोल सकते हैं। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हैं आप इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी माइक्रोफोन क्वालिटी कैसी लगी। एंड जो ईयरफोन्स मैं यूज़ कर रहा हूँ इनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, अब ये मुझे पता नहीं कि पर्टिकुलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ये प्रॉब्लम है या सभी में है, तो इन ईयरफोन्स से मुझे कनेक्शंस का इशू यहाँ पे फेस हुआ। तो ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स में एक जो ईयरबड होता है वो मास्टर ईयरफोन होता है एंड एक जो होता है उसके साथ पेयर होता है। तो यहाँ पे जो मास्टर ईयरफोन है वो है राइट वाला, तो ये अभी मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है एंड जैसे ही यहाँ पे मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ तो अभी फ़ोन मेरे सामने है, दोनों में सॉन्ग यहाँ पे प्ले हो रहा है बिल्कुल बढ़िया। बट अगर फ़ोन को मैं राइट ईयरफोन से दूर ले जाता हूँ, लेफ्ट में, राइट में या कहीं भी मैं इसको रख देता हूँ, तो यहाँ पे ये प्ले होना बंद हो जाता है। इसके बाद मैं राइट ईयरफोन को निकाल के अगर फ़ोन के सामने रखता हूँ, इसके साथ ही से रखता हूँ, देन ये प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली जो ईयरफोन खरीदेगा वो दोनों को ही प्ले करना चाहेगा, सिंगल को तो प्ले करेगा नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि जो ईयरफोन मेरे पास है इसमें यह प्रॉब्लम है या सभी में है। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके ईयरफोन में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। एंड इन ईयरफोन से रिगार्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इंस्टाग्राम में पूछे जा रहे थे, सब बोल रहे थे कॉपी है, रीब्रांडेड ईयरफोन्स हैं। तो हाँ, ये रीब्रांडेड ईयरफोन है, जाइम विनर गेमिंग ईयरबड्स की ये कॉपी हैं। तो ये ईयरफोन्स आपको अली एक्सप्रेस पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर कंपनी यहाँ पे आपको अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है एंड वो भी काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे, तो मुझे नहीं लगता कि उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में कोई दिक्कत है। तो अब बात कर लेते हैं ऐसे कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इसके प्रोज की। तो सबसे पहला प्रोज है इसमें लेटेंसी काफ़ी कम है। सेकंड, इसमें 12mm के ड्राइवर्स यूज़ किए गए हैं। थर्ड, ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ ही आता है एंड टच कंट्रोल्स का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है, वो भी बजट में, एंड टाइप सी पोर्ट। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्स की। तो इसका सबसे मेजर जो मुझे कॉन लगा इसमें कनेक्टिंग इशूज़ यहाँ पे मुझे फेस हुए। सेकंड, इसकी बिल्ड क्वालिटी एवरेज है। थर्ड, ये IPX 5 की रेटिंग के साथ आता है, अगर यहाँ पे IPX 6 या 7 की रेटिंग होती तो और भी बेटर होता। तो अब बात आती है कि आपको ईयरफोन्स परचेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे बजट में गेम सेंट्रिक ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए जिनका लुक भी काफ़ी अच्छा हो, जिनका साउंड आउटपुट भी काफ़ी अच्छा हो, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे थे वॉइस ओवर टेक की। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।